हेलो हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, आप सभी का स्वागत है नॉलेज मंत्रा के एक और नए और अमेजिंग वाले एपिसोड में। सर्दियों के मौसम में अक्सर लोगों को दांत किटकिटाने की समस्या होती है, ये काफ़ी आम है, लेकिन कभी आपने सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? आपको बता दें कि सर्दी में कपकपी आने का या दांत किटकिटाने पर अलर्ट होने की ज़रूरत है। डॉक्टर्स का कहना है कि ये दिमाग की चेतावनी है, इसे अनदेखा करना सेहत पर भारी पड़ सकता है। आइए इस बारे में जानते हैं हमारे फैक्ट नंबर वन में। बता दें कि हर इंसान को अलग अलग हिसाब से ठंड लगती है, कोई मामूली ठंड में ही गर्म कपड़े पहनने लगता है तो कोई कड़ाके की सर्दी में भी नॉर्मल कपड़े पहनकर घूमता है। ये सब डिपेंड करता है उसके शरीर की त्वचा में मौजूद सेंसरों पर, जिनकी संख्या हर इंसान में अलग अलग होती है। तापमान में बदलाव होने पर शरीर कांपना शुरू कर देता है या रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल शरीर के कुछ और भी आत्मरक्षक तरीके होते हैं। जब शरीर को एहसास होता है कि उसे और तापमान की जरूरत है तो कपकपी लगती है। अक्सर ऐसी स्थिति में निचले जबड़े में किटकिटाहट होने लगती है। महिलाओं का शरीर आंतरिक तापमान मेंटेन करने में पुरुषों के मुकाबले ज्यादा स्ट्रांग होता है। उनके शरीर की संरचना ही कुछ ऐसी होती है जिससे बॉडी पार्ट्स को गर्मी मिलती रहती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक कपकपी एक अनैच्छिक क्रिया है जिसके जरिए हमारा शरीर खुद को सक्रिय बनाता है, और अगर उसे तत्काल गर्मी नहीं मिली तो हाइपोथर्मिया बीमारी की चपेट में आ सकता है, जो जानलेवा हो सकता है। इसके अलावा ठंड से बचाव में बाल सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। मानव शरीर पर बाल त्वचा के जिस हिस्से से जुड़े होते हैं वहाँ ठंड होने पर मांसपेशियां अकड़ने लगती है और बाल खड़े हो जाते हैं। जिन जीवों में या जिनके शरीर पर बहुत बाल होते हैं उनमें बालों की परत उष्मारोधी या अवरोधी परत की तरह काम करती है। आजकल आप चाहे फोन पर बात करें या फिर मैसेज या चैट से, एक शब्द ज्यादातर लोग बोलते हैं, वो है ओके। दो लेटर के इस शब्द के इस्तेमाल करने से शायद ही कोई बच पाता होगा, चाहे हम किसी से सहमत हो या असहमत हो। जब आपको ठीक है बोलना हो या फिर किसी बात पर अपनी सहमति जतानी हो तो आप ओके कहते हैं। ये दो लेटर पूरे एक वाक्य जैसा काम करते हैं और आम बोलचाल की भाषा का शब्द बन गए हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात ये है कि ज़्यादातर लोग ये नहीं जानते कि ओके का फुल फॉर्म क्या है। अगर आपको भी इस बारे में नहीं पता है तो आइए जानते हैं इस बारे में हमारे फैक्ट नंबर टू में। ओके अंग्रेजी भाषा के सबसे कॉमन वर्ड्स में से एक है। इसका इस्तेमाल एक्सेप्टेंस, एग्रीमेंट, अप्रूवल जैसी कई बातों में किया जाता है। ओके का मतलब है ओला काला। यह एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब है ऑल करेक्ट। ओके शब्द का जन्म 182 साल पहले हुआ। इसकी शुरुआत अमेरिकी पत्रकार चार्ल्स गोडान ग्रीन के दफ्तर से हुई। साल 1829 में लेखक जानबूझकर शब्दों को बदल देते थे और प्लेफुल एब्रिविएशंस का इस्तेमाल करते थे, ठीक वैसे ही जैसे आज हम LOLZ, OMG या NBD बोलते हैं। ओके का इस्तेमाल सबसे पहले ऑल करेक्ट के एब्रिविएशन के तौर पर किया गया। ये ग्रामर पर एक व्यंगात्मक लेख था और बोस्टन मॉर्निंग पोस्ट में साल 1829 में छापा था। इस ट्रेंड ने बाद में OW जैसे शब्द भी इस्तेमाल में आए। इसका मतलब ही ऑल राइट या ऑल राइट ही होता है। इसके बाद ओके का इस्तेमाल इलेक्शन स्लोगन के तौर पर किया गया। साल 1840 में अमेरिकी राष्ट्रपति मार्टिन वैन बुरेन के री इलेक्शन कैंपेन में जब ओके शब्द का इस्तेमाल किया गया तो ये पूरी दुनिया में प्रचलित हो गया। दरअसल न्यूयॉर्क के किंडरहुक में पैदा हुए वैन बुरेन का निकनेम ओल्ड किंडरहुक था। उनके समर्थकों ने चुनाव प्रचार के दौरान रैलियों में ओके का इस्तेमाल किया और पूरे देश में ओके क्लब्स बनाए। इसके बाद ओके एक डबल मीनिंग वर्ड बन गया, ओल्ड किंडरहुक भी और ऑल करेक्ट भी। बता दें कि ओके का इस्तेमाल कई तरीके से वाक्यों में किया जाता है। इसका इस्तेमाल एडजेक्टिव या एडवर्ब दोनों के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल किसी भी चीज के लिए सहमति दर्ज करने में ज्यादा होता है और वाक्य के हिसाब से अलग अलग तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है। गर्मियों और बारिश के मौसम में भारत में एक मिठाई बड़ी पॉपुलर रहती है, इसका नाम है फालूदा कुल्फी। शायद ही ऐसा कोई होगा जिसको फालूदा कुल्फी पसंद नहीं होगी, मगर क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि यह फालूदा आखिर होता क्या है और यह खाने में इतना अलग क्यों होता है? आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि फालूदा अपने आप में एक मिठाई है।
यह बिल्कुल उसी तरह है जैसे जलेबी और रबड़ी का कॉम्बिनेशन होता है। मगर भारत में फालूदा मिठाई कहाँ से आई और इसका इतिहास क्या है, इस बारे में शायद ही कोई जानता होगा। और अगर इस बारे में आपको भी कोई जानकारी नहीं है तो आइए इसे जानते हैं हमारे फैक्ट नंबर 3 में। फूड इतिहासकारों की माने तो फालूदा भारत की मिठाई नहीं है, ये ईरान पारंपरिक मिठाई है। यह मिठाई पारसियों द्वारा फेस्टिवल में और खुशी के अवसरों में खाई जाती है। अगर दुनिया की सबसे प्राचीन मिठाइयों की बात की जाए तो फालूदा उनमें से एक है। ऐसा कहा जाता है कि यह 400 ईसा पूर्व में भी खाई जाती थी। ईरान में इसे फालूदेह कहा जाता है। इसे बनने के लिए वार्मिसली, नूडल्स, गुलाबजल और चाशनी का प्रयोग किया जाता है। ईरान में इस मिठाई को एक विशेष अवसर पर खाया जाता है। यह अवसर जमशेदी नवरोज का होता है। फूड हिस्टोरियन के टी आचार्य की मानो तो फालूदा को मुगल बादशाह अकबर का बेटा जहांगीर भारत लेकर आया था। इस बात का जिक्र के टी आचार्य ने अपनी बुक द स्टोरी ऑफ आर फूड में किया है। उन्होंने लिखा है कि ईरान की एक रियासत को जीतने के लिए जब जहांगीर ईरान पहुंचा तो वहां के कल्चर और शाही खाना पानी का कायल हो गया। जहांगीर को ईरानी फूड में सबसे ज्यादा फालूदा ही पसंद आया। यह दिखने में बेहद अलग था और खाने में स्वादिष्ट भी। किताब में इस बात का जिक्र भी मिलता है कि भारत में फालूदा लाने वाला जहांगीर नहीं, राजा नादिर शाह था। जब वह भारत आया तो अपने साथ फालूदा लेकर आया। अगर इतिहास की कहानियों पर विश्वास किया जाए तो एक बात तो तय हो जाती है कि फालूदा एक रॉयल मिठाई रही है। फालूदा का सफर केवल ईरान से भारत आकर ही खत्म नहीं होता, बल्कि इस डिश को अलग अलग नाम, रंग और तरीके से दूसरे देशों में भी खाया जाता है। हिस्टोरियन के टी आचार्य की माने तो फालूदा को फुल डिश नाम का पारसियन ड्रिंक बनाने के लिए इजाजत किया गया था। मगर भारत सहित एशिया के कई देशों में अब फालूदा के अलग अलग वर्जन को देखा जा सकता है। फिलीपींस में फालूदा को हालो हालो नाम की ट्रेडिशन स्वीट डिश के साथ खाया जाता है। यह डिश दूध, नारियल और आइसक्रीम से तैयार की जाती है। वहीं मलेशिया और सिंगापुर में फालूदा को कंडोल कहा जाता है। इन देशों में इसे जेली, रेड बीन्स, फ्रूट्स, पीनट, आइसक्रीम और स्वीट कॉर्न के साथ खाया जाता है। मॉरिशस में फालूदा को अलूदा कहा जाता है। यहाँ इसे बबल टी, स्ट्रॉबेरी और वेनिला सिरप के साथ खाया जाता है। नॉलेज मंत्रा के आज के हमारे इस एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी नॉलेज मंत्रा के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।